नमस्कार, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। अब समय हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते आपको बता दें, आगामी त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और दानापुर से आनंद विहार और पटना से थावे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पटना व दानापुर से आनंद विहार और पटना व थाने के चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन विस्तार करते हुए पूजा स्पेशल के रूप में चलाने का फैसला लिया गया। अगली खबर की ओर रुक करते आपको बता दें, पर्यटन विभाग की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। आपको बता दें, योजना का लाभ लेने के लिए 40 आयु वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को पारिश्रमिक के अलावा क्षेत्र भ्रमण की राशि का भुगतान भी किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुक करते आपको बता दें, रामपुर विद्युत उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार प्रसाद ने बताया है कि उच्च अधिकारी के निर्देश अनुसार टाउन मोहल्ला कायस्थ में बिजनेस प्लान के अंतर्गत जर्जर तारों की मरम्मत व बदले जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते जर्जर केबल को बदले जाने, नए पोल लगाने तथा जर्जर टूटे खंभों को सही करने का कार्य 28 से 30 अगस्त तक किया जाएगा। इसके कारण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। अगली खबर की ओर रुक करते आपको बता दें, बदायूं में घर में घुसकर छेड़छाड़ की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम पर आरोपित ने हमला कर दिया। दरोगा की वर्दी फाड़ दी और होमगार्ड को मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ और पुलिस पर हमले की प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। और आखिरी खबर की ओर रुक करते आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में एक प्रेम प्रसंग के एक युवक की जान ले ली है। विकास नाम के युवक की हत्या उसके दोस्त अंकित ने ही कर दी, क्योंकि विकास का अफेयर अंकित की बहन के साथ चल रहा था। अंकित ने विकास को शराब पिलाई और फिर ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी उत्तर प्रदेश की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।